चीन जिस भाषा में जवाब चाहता है, अब भारत भी उसी जबान में उसे जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से चीन कई इलाकों के नाम लगातार बदलता रहता है, अब भारत भी उसी तरह उसके कब्जे वाले तिब्बत में कई जगहों के नाम बदलने की तैयारी कर रहा है। आइए पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित अरुणाचल प्रदेश, जिसे भोर से जगमगाते पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है, इसे चीन अपनी खतरनाक हड़पने की नीति का शिकार बनाना चाहता है। इसी क्रम में चीन भारत के इस राज्य के कई इलाकों के नाम भी लगातार बदलता रहता है। हालिया मामला इसी साल के मार्च महीने में देखने को मिला, जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 रहवासी क्षेत्र, 12 पहाड़, 4 नदियों, 1 झील और 1 पहाड़ी दर्रा के साथ एक जमीन का नाम बदल दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेबनिन ने चीनी भाषा में अरुणाचल प्रदेश को जांगनान बताते हुए कहा कि जांगनान चीन का इलाका है।印度非法设立的所谓阿鲁纳恰尔邦，中印边界问题尚未解决，印度无权擅自对中国藏南地区进行开发，印方有关举动只会导致边界问题复杂化，并对两国边界地区局势造成负面干扰。中方对印度领导人到中印边界东段地区活动表示强烈不满和坚决反对。 दरअसल ये पहली बार नहीं था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदले। इससे पहले चीन ने 3 बार अरुणाचल प्रदेश में एकतरफा तरीके से कई जगहों के नाम को बदला है। चौथी बार चीन ने मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के बाद इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। दरअसल 9 मार्च को पीएम मोदी ने देश के 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग को समर्पित किया। इस पर चीन बुरी तरह से भड़क उठा था। इस पर कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने नाम बदलने की चाल चली। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका विरोध किया। देखिए, ऐसा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं, एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में, हमारी सीमा सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है, उसका वो जिम्मेदारी दिल्ली में। इससे पहले बीजिंग ने 2017 में अरुणाचल प्रदेश में 6 इलाकों के तथाकथित बदले नामों की पहली सूची जारी की, फिर 2021 में 15 और 2023 में 11 स्थानों के नामों वाली तीसरी सूची जारी की थी। चीन की इसी नापाक हरकत पर भारत के रक्षा मंत्री ने भी करारा जवाब दिया था। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए चीन को उसी की भाषा में हिदायत देते हुए क्या कहा, सुनिए। प्रांतों के कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, इस बात को हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। अब भारत की ओर से भी इसी तरह की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। भारत ने चीन के कब्जे वाले तिब्बत को टारगेट किया है। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत तिब्बत के करीब 30 जगहों के नाम बदलने की तैयारी में है। वहीं भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के सोशल मीडिया पर डाले जा रहे कुछ पोस्ट भी इसी ओर इशारा करते हैं। इन पोस्ट में सेना की ओर से अरुणाचल प्रदेश के 7 जगह के नाम बदले जाने के मामले को चुनौती दी जा रही है। ये वही जगह है जिनके नाम चीन ने हाल में बदले हैं। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने तिब्बत में इन 30 नामों को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही मीडिया में सार्वजनिक भी किया जाएगा। भारत सरकार ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर हिंदी भाषा में इन जगहों के नाम बदलने की तैयारी में है। गौरतलब है कि चीन ने जब से तिब्बत पर कब्जा किया है, भारत ने उसको इसका हिस्सा मान लिया है, लेकिन अब भारत सरकार अपना रास्ता बदलने की तैयारी में है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप चीन के खिलाफ अपनाई जा रही इस रणनीति पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें विस्तार न्यूज़।